हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते सब लोग अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, पकोड़ी तो आप बहुत तरीक़े से खाए होंगे। आज हमने बनाया है कटहल का पकोड़ी। ये कटहल का पकोड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होते हैं। तो आइए फुल रेसिपी को देखते हैं कैसे बनाए हैं। तो थोड़ा सा भी अगर मेरा वीडियो और रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं रेसिपी कैसी लगी। और पहली बार अगर मेरे चैनल पर है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फुल रेसिपी को देखते हैं कैसे बनाए हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बड़ा कटहल है, देख सकते हैं। इसमें से जितना मुझे ज़रूरत है उतना काट लेंगे। तो ये हम जो है किसी से मंगवाए हैं, तो ये एकदम गांव से ले आया है, एकदम ताज़ा कटहल है। अब इसको हम काट लेते हैं। थोड़ा हाथ में तेल लगा लेंगे, कोई भी तेल लगा ले आप, सरसों का या रिफाइंड, तो जो है ये इसका जो एक लसा होता है वो आपका हाथ में नहीं चिपकेगा। तो हम जो है काट लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, इतना हम ले लिए हैं, मुझे ज़रूरत के हिसाब से हम ले लिए हैं। इसका जो है बीस वाला अभी हम नहीं छुटाए हैं, तो इसको धो लेते हैं पहले। ऐसे एक पीस हम ले लिए हैं। तो यहाँ पे एक हम सस्पेन में थोड़ा पानी दे दिए हैं गर्म करने के लिए। उसमें हम दे देंगे थोड़ा सा हल्दी और दे देंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी दे दिए हैं। और ये जो कटहल का जो पीसेस हम काटे हैं इसको हम पानी में दे देंगे और इसको हम करीब 7-8 मिनट जो है थोड़ा पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसको जो है उबाल लिए और ठंडा कर लिए, थोड़ा ठंडा हो चुका। अब इसका जो है कटिंग कर लेंगे, पीसेस बना लेंगे। जो बीज वाला जो हार्ड पार्ट है अगर आप चाहे तो खा सकते हैं और ना चाहे तो इसको फेंक दें। तो अब अभी इसको हम हल्का सा रखेंगे और बाकी फेंक देंगे। अब इसका जो है कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कटिंग कर लिए, देख सकते हैं हम इसे पतले पतले कटिंग किए हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ये पतले किए हैं। तो सब कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो है हम बेसन का बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बेसन दे दिए हैं और यहाँ पे करीब 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर देंगे। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक देंगे, आधा चम्मच हल्दी देंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 के दिए हैं लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि यहाँ पे हम हरी मिर्चा का भी यूज़ करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पे थोड़ा सा हम आधा चम्मच अमचूर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। तो हम ये वाला अमचूर पाउडर ले लिए हैं। साथ में यहाँ पे हम भुना हुआ जीरा और लौंग, इलायची, दालचीनी जो है हम एक साथ में भून के जो है इसका रोस्ट, मतलब रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिए हैं। गर्म मसाला भी पूरा है और भुना हुआ जीरा भी है। और यहाँ पे दे रही हूँ 1 टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्च और 3-4 कली लहसुन का हम पेस्ट बना लिए हैं। तब सभी चीज़ों को जो मिक्स कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी दे के एक गाढ़ा हम बैटर बना लेते हैं, जैसे पकौड़ी उकड़ी बनाते हैं तो उसी प्रकार। तो फ्रेंड्स, रेडी हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्राई करने के लिए हम तेल गरम कर लिए हैं। इसके अंदर कुछ कटहल हम डाल देंगे, पीसेस अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो तेल में हम एक एक करके दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आप सबको कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जितना आए हम उतना दे देंगे। तो फ्रेंड्स, दे दिए हैं, करीब 1.5 मिनट हो चुका। अब हम थोड़ा सा चला देंगे इसको, पलट देंगे अच्छे से, दोनों तरफ फ्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हम निकाल लेंगे। अब बाकी को भी सेम प्रोसेस में फ्राई कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स रेडी है कटहल का पकोड़ा, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया है और खाने में भी उतने स्वादिष्ट है। तो कैसे लगी मैं रेसिपी आप सबको, जब भी आप कटहल का पकोड़ा बनाएं कटहल को जो है 50 से 80% तक आप जो है पका लें, जैसे हम गर्म पानी में डाले थे वैसे पका लें, उसके बाद ही फिर जो है कटिंग करके, आप पहले भी कटिंग कर सकते हो लेकिन पहले कटिंग करने से होता क्या है अंदर में बहुत ज़्यादा पानी जो है चला जाता है, इसीलिए जो है पूरा हम इकट्ठा जो है पकाए थे 7-8 मिनट तक पकाए थे और धीरे धीरे पकाए थे, तो 80% तक मेरा कटहल जो है पक चुका था। फिर हम उसका पीसेस बनाए और फिर उसके बाद जो है पकौड़ी को बनाए हैं, और ये बहुत ही जितना आप पतला पतला कटिएगा उतना ये स्वादिष्ट बनेगा आपका पकौड़ी। तो चलिए फुल रेसिपी को देखना है,